हेलो फ्रेंड्स, डीएन एंटिक कलेक्शन में स्वागत है। आज लाया मैं आपके लिए बहुत ही गजब की चीज़ लेके आया हूँ, जो आप देख के भी बहुत खुश हो जाओगे। तो देखते हैं अभी इसको ओपन करके अपन। तो आपके सामने ये क्राउन कंपनी का जो मॉडल नंबर है, आप देख सकते हैं इधर, ये SCP-7000S मॉडल नंबर है, जिसमें 3-in-1 दिया है, रिकॉर्ड प्लेयर और कैसेट रिकॉर्डर और इसके अंदर रेडियो। तो अभी अपने इसको आपके सामने लगा के चेक करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों स्पीकर दिए हुए हैं इस पर, और यहाँ पे दिया हुआ है केबल रहता है, पावर कोड रहता है इधर इसके अंदर। तो मैंने अभी निकाला इसको जस्ट, और अभी मैं इसको आपके सामने वापस बंद कर देता हूँ देख लिए। तो ये पावर कोड यहाँ पे रहता है, और ये यहाँ पे लॉक हो जाता है बराबर। और यहाँ पे दिया हुआ है दो माइक, जो कि क्राउन कंपनी के हैं। आप देख सकते हैं दोनों माइक दिए हुए हैं इसके, पूरा ओरिजिनल कंडीशन में है। ये भी एक दूसरा है क्राउन कंपनी का, और इसके अंदर डबल पिन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर डबल पिन दिया हुआ है और इसके अंदर सिंगल पिन दिया हुआ है। तो ये वापस मैं यहाँ पे रख दूँ, और यहाँ पे आप बैटरी भी लगा सकते हो, यहाँ पे बैटरी का भी दिया हुआ है। तो ये पोर्टेबल भी है, आप ले जा भी सकते हो, वहाँ सूटकेस टाइप है पूरा। तो अभी मैं आपको इसको बंद कर देता हूँ वापस इसको, और ये यहाँ से ढक्कन वापस इसका लगा देते हैं, ये लॉक कर दिया। और अभी ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये इधर रखने के लिए होता है, 45 RPM का जो रिकॉर्ड होता है उसके ऊपर ये रखने का। ये यहाँ पे ये भी इसका दिया हुआ है नॉब, कम्प्लीटली कंडीशन में है ये भी। और यहाँ पे ये कैसेट का दिया हुआ है, तो कैसेट नहीं चल रहा है, आपको मैं बता देता हूँ। कैसेट में कुछ बेल्ट का इश्यू हो सकता है, तो कैसेट अभी नहीं चल रहा है। और यहाँ पे ये स्पीड का दिया हुआ है, 33 RPM और 45 RPM, 33 RPM और 45 RPM का यहाँ पे ये स्पीड का कंट्रोलर दिया हुआ है। और अभी अपन देखते हैं इसके अंदर, सबसे पहले रेडियो ऑन करते हैं। तो यहाँ से अपन प्लग लगाते हैं पहले, अभी मैंने प्लग लगा दिया है, और यहाँ से करते हैं इसको ऑन। तो आपके सामने, एक मिनट, ये मैंने अभी प्लग लगा दिया है। अभी अपन लगाते हैं स्पीकर के केबल। तो यहाँ पे दिया हुआ है राइट और लेफ्ट, तो अपन पहले राइट लगा देते हैं। ये राइट लगा दिया मैंने अभी, और ये लेफ्ट लगा दिया है। और अभी अपन करते हैं ट्यूनिंग। तो यहाँ से मीडियम मोड पे है, तो अभी काफ़ी रात हो गई है, लेट हो गए, तो अभी स्टेशन मीडियम पकड़ता है, तो मीडियम अभी कुछ आ नहीं रहा है। तो ये बैलेंस का भी दिया हुआ है, लेफ्ट और राइट का आपके सामने है। और ये शॉर्टवे है, ये शॉर्टवे 2 है, और यहाँ पे इसका एंटीना भी दिया हुआ है आपके सामने, ये देख सकते हैं आप, पूरी तरह से इसका एंटीना भी दिया है इधर। तो एंटीना को भी अपन बाहर कर देते हैं पहले। जैसे कि अभी मैं चेक कर रहा हूँ, उसकी वजह से अभी कुछ स्टेशन नहीं आ रहा है, तो अभी कुछ नहीं पकड़ रहा है। शॉर्ट वे पे ले लेता हूँ पहले, तो
इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है। फिर से मीडियम पे लेते हैं अपन वापस। तो स्टेशन में अभी कुछ नहीं पकड़ रहा है, आपके सामने है। और अभी अपन यहाँ पे लेते हैं, टेप मोड पे करते हैं। तो टेप मोड पे ऐसा आवाज़ आ रहा है खाली। और अभी यहाँ से अभी कुछ चल नहीं रहा, अपन देखते हैं तो कुछ रिकॉर्डिंग का दिया हुआ है इसके अंदर, लेकिन वो अभी अपने समझ के बाहर है। आप देख सकते हो इसके अंदर कनेक्टिविटी इसको मिल रही है अभी, लेकिन ये बेल्ट नहीं ख़राब है इसका, मोटर का आवाज़ आ रहा है तो ये घूम नहीं रहे हैं। तो इसको आपको शायद बेल्ट डालना पड़ेंगे इसके अंदर से। और अभी अपन इसको चलाते हैं प्लेयर। तो यहाँ से अपन अभी फोनो मोड कर देते हैं, यहाँ से फोनो मोड करते हैं। और अपन यहाँ से एक छोटा सा रिकॉर्ड पड़ा है एक दूजे के लिए, तो वो 45 RPM का रिकॉर्ड है। तो ये रिकॉर्ड अपन इधर लगाते हैं अभी। और यहाँ से भी अपन स्पीड कर देते हैं, जैसे कि अपन यहाँ से पहले टेप मोड कर दिया ने, हाँ टेप फोनो कर दिया। तो यहाँ से अपन स्पीड करते हैं, तो आपके सामने ये भी चलने लगा है, देख सकते हैं आप। और अभी इसको अपन यहाँ रखते हैं आपके सामने, देखिए। तो दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है ये 45 RPM नहीं है, 78 RPM पे चल रहा है। तो अपन इसको बंद कर देते हैं पहले इसको, और फिर बाद में इसको अपन स्पीड सेट करते हैं पहले। और उसके बाद में अपन यहाँ से ना ऑन किया वापस, फिर बाद में यहाँ पे मैं स्पीड देखते हैं। तो यहाँ पे ये स्पीड कम हो गई है, तो अभी अपन इसको वापस रखते हैं तो अपन को पता चलेगा। एक तो अभी शायद मेरे हिसाब से अभी बराबर चल रहा है। ये 45 RPM चला अभी, अभी मुझे ये लगा कि अभी ये तो दोस्तों आपके सामने ये कम्प्लीटली चल रहा है मेरे हिसाब से। तो अगर कोई इंटरेस्ट है तो ये इसका, मुझे वीडियो देख रहे हो आप तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, तो मुझे जल्दी आइडिया आएगा कि भाई आप कौन सी चीज़ मेरे से मांग रहे हो। तो कृपया इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें। इसका व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9427322171। तो अभी अपन इसको वापस यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ से इसको बंद कर देते हैं अपन पहले, और ये रिकॉर्ड अपन वापस ले लेते हैं। चलो, तो किसी को मॉडल ये पसंद है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए सर। और ये जापान का पीस है, आप देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर भी देख सकते हैं। सॉलिड स्टेशन स्टीरियो है, और कम्प्लीटली कंडीशन में है ये, स्पीकर वगैरह टोटली कंडीशन में है। किसी को इंटरेस्ट है तो आप मुझे व्हाट्सअप पर करें कॉन्टेक्ट। धन्यवाद।